केवल हिंदू के त्योहारों पर ही प्रतिबंध क्यों? दिवाली से ठीक 10 दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इसके बाद अब बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जानवरों के प्रति क्रूरता का हवाला देते हुए महाराष्ट्र सरकार को दिवाली के दौरान होने वाली बैलगाड़ी रेस पर इजाजत देने से इनकार कर दिया। हे गाइज, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हिंदुओं के त्योहारों पर रोक लगाने का अब ट्रेंड चल चुका है। कभी होली के समय पानी का हवाला दिया जाता है तो दिवाली के समय प्रदूषण का। इसके अलावा मकर संक्रांति में अगर आप पतंग उड़ाओगे तो उससे पक्षी मर जाते हैं। जल्लीकट्टू पर जानवरों पर हिंसा होती है। केरल में हाथियों को रखा जाए तो वो बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे भी एनिमल एक्ट्स वाले जाग जाते हैं। पर बकरीद में जब बकरों को हलाल किया जाता है उस समय किसी भी एनिमल के साथ ना कोई हिंसा होती है और ना एनिमल के राइट्स की रक्षा करने वाले संस्थान जागरूक होते हैं। इन सब डिसीजन के पहले पिछले साल जल्लीकट्टू पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद तमिलनाडु के लोगों की नाराजगी सामने आई। फिर फैसला आता है कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी, गोविंदा की उम्र कितनी होगी, जिसके चलते महाराष्ट्र में लोगों की नाराजगी देखने को मिली। होली के समय सूखी होली खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक दिन आप पानी यूज़ कर लोगे तो इंडिया में पानी की कमी आ जाएगी, जबकि इंडिया का सब जानते हैं कितनी बारिश होती है, पर सरकार को वाटर मैनेजमेंट करना आज तक नहीं आया और इसका जिम्मा भी हम लोगों पर ही थोप दिया जाता है। लगभग हर साल हर जिले में बाढ़ आती ही आती है, पर पानी कैसे स्टोर करना है, कैसे यूज़ करना है, इसके लिए सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ तक कि मूर्ति विसर्जन पर भी रोक लगाने के लिए आवाज़ें उठती हैं। मूर्ति विसर्जन करने के लिए उन्हें टब में विसर्जित कर दिया जाए। तो ये सारी रोक सिर्फ हम हिंदुओं के त्योहारों पर ही क्यों? हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी। इससे पहले पिछले साल सिर्फ ग्रीन कलर के पटाखे फोड़ने की इजाज़त थी और इस साल किसी भी तरीके के पटाखे फोड़ने की इजाज़त दिल्ली सरकार ने नहीं दी है। इससे ठीक 2 महीने पहले वहाँ के व्यापारियों को ग्रीन पटाखों का लाइसेंस दे दिया गया था। अब उन्होंने तो पूरे फैक्ट्रीज से करोड़ों का माल उठा लिया और दिवाली के ठीक 10 दिन पहले पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? एक आम नागरिक का। केजरीवाल जी को तो कुर्सी में बैठ के बोलना है कि हम पिछले साल भी नहीं मनाए थे, इस साल भी नहीं मनाएंगे, दिया जलाने पर रोक नहीं है लेकिन लाइट शो करेंगे ताकि दिया जलाने का भी अगले साल मना कर सकें। प्रदूषण तो पहले ही कंट्रोल नहीं हो रहा था, कोरोना अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। मतलब सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे त्योहारों का सहारा लेती है। पटाखे फोड़ने से कोरोना बढ़ेगा, आप खुद केजरीवाल जी के मुंह से सुन सकते हैं, सुनिए ये। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर, सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। तो इन सब के कारण तो लोग कहेंगे ही ना कि सिर्फ हमारे ही त्योहारों के साथ प्रतिबंध क्यों? जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी रेस में अगर हिंसा होती है तो बकरीद में हिंसा नहीं होती क्या? बकरा कटवाना बंद करवा दीजिए, मान जाएंगे आपको। बिना पटाखों की दिवाली उसी तरीके से है जिस तरीके से बकरे के बिना बकरीद मनाई जाना, क्रिसमस ट्री के बिना क्रिसमस मनाया जाना। बाकी तो किसी के लिए कोई रोक नहीं, सिर्फ हमारे लिए रोक क्यों? चूंकि ये फैसला सिर्फ हमारे हिंदुओं के त्योहारों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए सवाल तो उठेगा ही कि क्या हिंदुओं के त्योहारों से जुड़े हुए ऐसे फैसले इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि हिंदू सहनशील है, वो इस पर रिएक्ट नहीं करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबको विचार करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मूल संस्कृति से काफ़ी दूर हो चुके होंगे। मैं मानता हूँ कि पशुओं के साथ क्रूरता ना हो, पर्यावरण भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमारे त्योहारों का भी एक अलग महत्व है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडर्नाइज नहीं कर सकते। और हमारा देश हिंदुस्तान अपने इसी कल्चर के लिए जाना जाता है और इतिहास गवाह है कि जो भी देश अपनी मूल संस्कृति को भूलकर आगे बढ़ना चाहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया है। अब हम बात करते हैं पटाखों पर प्रतिबंध की। तो दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटका, जयपुर, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जैसे कुछ ऐसे राज्य हमारे देश में जिन्हें लगता है कि एक दिन पटाखे जलाए जाने से इतना प्रदूषण हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग ही आ जाएगी, इसलिए इन्होंने इस पर रोक लगा दी है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। और भी कई देश हैं जो पटाखे फोड़ते हैं, लोग बारातों में पटाखे फोड़ते हैं, IPL जीत जाने पर, वर्ल्ड कप जीत जाने में, इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया के जीत जाने पर पटाखे फोड़ते हैं, पर तब प्रदूषण नहीं होता, सिर्फ दिवाली के दिन पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण होता है। ये क्या बात है? फिर तो हम दीपक जलाना भी बंद कर देते हैं,
इससे कहीं अंटार्कटिका का बर्फ ना पिघल जाए, नहीं तो हम हिंदुओं को ही ब्लेम किया जाएगा उसके लिए भी। आईआईटी कानपुर के पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर मुकेश शर्मा और डॉक्टर ओमकार दीक्षित ने दिल्ली की हवा में सन 2016 में एक रिसर्च करी, जिसमें पाया गया कि दिल्ली की हवाओं में पटाखों से प्रदूषण 1% से भी कम है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिवाली के दिन भी दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों के कारण होता है, ना कि पटाखों के कारण। खुद पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किए गए एक रिसर्च में पता चलता है कि दिल्ली में 72% प्रदूषण गाड़ियों से होता है। इसके अलावा सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से ये सवाल पूछा कि आप पटाखों के पीछे तो पड़े रहते हैं कि पटाखों से प्रदूषण होता है, जबकि देखने में तो ये लग रहा है कि प्रदूषण जो हो रहा है उसकी असली वजह गाड़ियों और परालियों का जलाना है। तो फिर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, कोई ऐसे आंकड़े हैं जिससे आप ये साबित कर सकें कि पटाखों से कितने प्रतिशत प्रदूषण होता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखों से तो एक दिन प्रदूषण होता है, लेकिन गाड़ियों से तो साल के 365 दिन प्रदूषण होता है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं था इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि ऐसे कोई आंकड़े हैं ही नहीं जो ये बता सकें कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है। फिर तो अब केजरीवाल जी को अपनी गाड़ियाँ छोड़ के जिन गाड़ियों से ऑफिस जाते हैं उसकी बजाय साइकिल से जाना चाहिए, मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। सरकार पॉल्यूशन के नाम पे ग्रीन व्हीकल्स को लॉन्च करने की बात करती है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाने की बात करती है कि 2030 तक पूरा देश इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने लगेगा, मतलब पेट्रोल व्हीकल और डीजल व्हीकल बंद हो जाएंगे। पर आप खुद देखिए, आज 2020 है, आपके खुद के शहर में कितने इलेक्ट्रिक पंप मौजूद हैं? इनका टारगेट है 2030 तक पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल होना। सरकार को यहाँ पर आके बताना चाहिए कि पूरे साल उन्होंने पॉल्यूशन कम करने के लिए कौन से मेजर स्टेप्स उठाए, क्या किया उन्होंने। आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के समय पूरे देश में पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी नीचे आ चुका था, नदियां साफ़ हो चुकी थी, हवाएं साफ़ हो चुकी थी। इनफैक्ट दिल्ली, जहां पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन रिकॉर्ड किया जाता है, वहां भी पॉल्यूशन का स्तर काफ़ी नीचे आ चुका था लॉकडाउन के समय। पर लॉकडाउन के बाद ना होली आई और ना दिवाली आई, और फिर भी आज आप दिल्ली में जाके देखिए, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद देख नहीं पा रही थी, चांद देखने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। तो ये हाल है दिल्ली के। सरकार अपनी नाकामियों को हमारे त्योहारों के पीछे आके छुपा देती है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-12 सालों से दिवाली होली जैसे त्योहारों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हमारे त्योहारों के 10-15 दिन पहले स्कूलों में, एनजीओज में और सोशल मीडियाज में ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं जिसमें हमें ज्ञान दिया जाता है कि आप ये ना करें दिवाली के दिन, आप ये ना करें होली के दिन, आप ये ना करें नागपंचमी के दिन। भाई, एक दिन ना करने से क्या कुछ चीज़ें हो जाएंगी? यह एक तरीके का जहर फैलाया जा रहा है हमारे समाज में ताकि हमारी संस्कृति खत्म हो सके, जिसके खिलाफ आवाज उठाने का अब सही समय आ चुका है। जब भी हमारे त्यौहार आएंगे, हमारे खिलाफ सरकार कोई ना कोई हमारे विरुद्ध एक नीति तैयार कर देगी। आप खुद ये चीज़ नोटिस करिए, चीज़ बताने की नहीं होती है, समझने की होती है। आप खुद ये चीज़ समझिए कि जब भी हमारे कोई त्यौहार आते हैं, सरकार का कोई ना कोई शाही फरमान हाजिर हो जाता है। मूर्तियों की हाइट पर लोग विवाद करने लग गए कि मूर्तियों की हाइट कितनी होगी। तो ये सब सिर्फ हमारे लिए ही क्यों? ये सारी चीज़ों का जवाब सरकार को देना होगा। मैं सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पटाखे बंद हो या ना हो, लेकिन साल भर का प्रदूषण खत्म क्यों नहीं होता? होली पानी से खेली जाए या ना खेली जाए, लेकिन नदियों का पानी साफ क्यों नहीं होता? ये किसका फेलियर है? हमारा या सरकार का? सरकार की गलतियों के कारण हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? और ये बात सिर्फ एक या दो राज्यों की नहीं, पूरे ही देश की है। और भी कई देश है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहाँ पे पटाखे फोड़े जाते हैं, दिवाली के दिन भी फोड़े जाते हैं और दूसरे ओकेशंस में फोड़े जाते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है? सिर्फ हमारे देश को ही पता है कि इससे प्रदूषण होता है, या उनको इससे डील करते आता है और हमारे देश को इससे डील करते नहीं आता? दुनिया के किसी भी देश में कोई भी सरकार या कोर्ट ये डिसाइड नहीं करता कि त्यौहार कैसे मनाया जाना है। तो हमारे देश की और राज्यों की सरकार को ज़रूरत है कि वो अपनी नीतियों को बदले, हमारे सदियों पुराने चले आ रहे कस्टम को नहीं। आप सभी अपना मत मुझे कमेंट सेक्शन में रख के बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ देख के इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली।